नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में पहली और दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम बदला, नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ेंगे विद्यार्थी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रदेश भर के स्कूलों में दाखिल पहली और दूसरी कक्षा के ननिहाल नया पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। SCERT सोलह ने वर्ष 2019 के बाद पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। कोरोना काल के दौरान SCERT सोलह ने पाठ्यक्रम से कुछ पाठों को हटाया था। अब नई शिक्षा नीति 2020 के बाद अब पाठ्यक्रम को पूरा बदल दिया गया है ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में परेशानी ना हो। 3 साल पहले SCERT सोलह की ओर से बदले गए पाठ्यक्रम को केंद्रीय स्कूलों में ट्रायल के तौर पर पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब प्रदेश भर के स्कूलों में विद्यार्थी नई शिक्षा नीति के तहत बदले पाठ्यक्रम को ही पढ़ेंगे। हिमाचल, दूसरे की पत्नी के साथ लिव इन में रह रहे व्यक्ति की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित हरिपुर संडोली में बुधवार को पत्नी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक व्यक्ति की महिला के पति ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। आरोपी रविंद्र साहनी निवासी रघुनाथपुरी जिला बैसाखी विहार का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने कालका रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। SSP अशोक वर्मा ने बताया कि अर्की तहसील के जयनगर गांव का रहने वाला नेमी चंद पुत्र निराता राम हरिपुर संडोली में किराए के मकान में रहता था। इसके साथ एक प्रवासी महिला पिछले कई सालों से लिव इन में रह रही थी। महिला पहले से शादीशुदा थी और उसका पति रविंद्र उससे अलग रहता था। रविंद्र बुधवार को नेमी चंद के कमरे में आया और सो रहे नेमी चंद के सिर व मुंह पर धारदार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। महिला दूसरे कमरे में सोई हुई थी। 6 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाएं लिखेंगी प्रत्याशियों की किस्मत। हिमाचल प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में 6 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला महिलाएं करेंगी। सुजानपुर, बड़सर और लाहौल स्पीति में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। सुजानपुर में 1982, बड़सर में 1472 और लाहौल स्पीति में पुरुषों के मुकाबले 49 महिला वोटर अधिक है। लोकसभा के साथ साथ धर्मशाला, सुजानपुर, लाहौल स्पीति, बड़सर, गगरेट और कोटलीहेड में उपचुनाव होना है। 6 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में कुल 448,110 मतदाता अपने नुमाइंदों का चयन करेंगे। सड़कें अभी भी बंद, यात्रियों के लिए आज से खुलेगा मनाली लेह मार्ग, आगे कैसा रहेगा मौसम। प्रदेश में बीते दिन पूरा दिन मौसम सामान्य रहा, किसी भी स्थान पर वर्षा या हिमपात नहीं हुआ। वीरवार को मनाली लेह मार्ग खुलने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक मौसम में भी कोई विशेष बदलाव होने की संभावना कम नजर आ रही है। तापमान बढ़ने की संभावना, राज्य के अधिकांश स्थानों पर आसमान पर बादल छाए रहे जिसके चलते ठंडी हवाएं चली। प्रदेश में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ पहले दिन तो कमजोर रहा, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों के दौरान कई स्थानों पर वर्षा और हिमपात हो सकता है। इस दौरान ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। प्रदेश में 3 NH सहित 178 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। वहीं मनाली के लौंग मार्ग पर सीसू के पास सड़क धस गई है। सड़क में दरार आने से वाहनों की आवाजाही एक तरफा करनी पड़ी है। दोनों ओर पुलिस जवान तैनात है। हालात देखकर ही वाहनों को आने जाने की अनुमति दी जा रही है।